कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में आम लोगों के लिए शुरू होने पर पहले ही दिन से हजारीबाग वासियों में टीका लगवाने को लेकर रुझान देखी गई। शहर के निजी अस्पताल HZB आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले दिन सोमवार को 40 लोगों ने टीका लगवाया। यहां सभी लोगों ने 250 रुपया चुकाकर और जरूरी दस्तावेज देकर टीका लगवाया। सोमवार को आरोग्यम हॉस्पिटल में कुल 48 लोगों ने टीका लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से निर्धारित समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 40 लोगों को टीका लगाया गया। बाकी लोगों को आज मंगलवार को टीका लगवाया जाना है। हॉस्पिटल के निदेशक हर्ष अजमेरा ने बताया कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी योग्य लोगों को ये टीका अवश्य लगवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में हजारीबाग वासी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीका लगवाने के साथ कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का भी पालन अवश्य करें। आज सरकार के निर्देशानुसार HZB आरोग्य में वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू हो गई है आम जनता के लिए जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है। कोरोना के तीसरे चरण का प्रकोप देखते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, तो आरोग्यम को भी ये मिला है ऑथराइजेशन कि हम लोग वैक्सीनेशन लगा सकें। तो आज पहला दिन था जिसमें 40 लोगों को वैक्सीनेट हमने किया है और हमारी यही अपील है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन लें और अपने आप को सुरक्षित करें। आरोग्यम आपकी सेवा में सदा तत्पर है, सातों दिन 24 घंटे।